हेलो बच्चो तू ना थकेगा कभी तू ना रुकेगा कभी तू ना मुड़ेगा कभी कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ 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 हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग मचा रहे हो कि नहीं आज क्लास टेंथ की ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे क्योंकि अलजेब्रा हमारा जो शुरू के पाँच चैप्टर है वो हम लोगों ने कवर कर लिए अब बातें होंगी ज्योमेट्री की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ ट्राइंगल्स सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है ट्राइंगल्स में मतलब ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री खत्म करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे और यार एक बात तुम्हें बता दूं मैं कहीं नहीं गया था मैं तो यहीं हूं और यहीं रहूंगा तुम लोग घबराया मत करो कि कहाँ चले गए क्लासेस क्यों नहीं हो रही है टेंथ उड़ान की मैथमेटिक्स की तुमको एक बात बता दूं तुम लोगों को, को एक न्यूज़ मिली थी मैंने तुम्हें कहा था कि उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बदलेगी और वो चीज़ें बदली है आप लोगों को शेड्यूल पूरा रिवाइज्ड ऐप पर मिल गया है कभी अभी तक आप लोगों ने रिवाइज्ड शेड्यूल नहीं देखा पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले थे मिड ऑफ फेब तक पर अब हमें ईश्वर ने समय दिया है तो उस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं और तबियत से मचाते हैं मतलब अब भागेंगे नहीं अब आराम आराम से चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डीपली ले जाएंगे चीजों को सीखेंगे ताकि जब तुम इलेवेंथ में जाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए तुमको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होने चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है ये कैसे हो रहा है तो वो फील दिलाने के लिए कुछ चीजें रिवाइज हुई है आप लोगों ने कल मेंटी देखा होगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो मेंटी भी आएंगे बहुत सारे लाइव सेशन्स भी होंगे अब जो हमारा इंट्रैक्शन है ना वो और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि पहले हमारी दो महीने की जर्नी रहती साथ में अब भगवान ने अपने को समय दिया है तो ये बॉन्ड को थोड़ा और मजबूत किया जाए आपके और मेरे रिश्ते को थोड़ा और मजबूत किया जाए और मैं जो जो आपको दे सकता हूं वो बिल्कुल कोशिश करूँगा कि ये जो हमें टाइम मिला है अप्रैल तक जितना ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जा सकता है हमारे पॉसिबल वेज में हम आपके लिए लेके आएंगे तो वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम होने से इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप लोगों पर ध्यान कम दिया जा रहा है आपको मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होगी तो ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे हेडिंग डाल लो चैप्टर नंबर सिक्स पे आ गए बच्चा लोग जागे हो कि नहीं मुस्कुराओ क्योंकि मजा आने वाला है ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं बहुत फील आता है यार ज्योमेट्री पढ़ाने में ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है जैसे अलजबरा में इधर भेजना उधर भेजना प्लस साइन माइनस साइन बहुत तामझाम रहता है ज्योमेट्री में इतना कोई तामझाम है नहीं चीजों को आराम आराम से देखते हैं आराम आराम से थियरमो को प्रूव करेंगे क्वेश्चनों की सवाल करेंगे मतलब खूब मजे करेंगे और मैं तो हुई क्योंकि मेरे को मजा कब आएगा जब आप लोग कॉपी और पेन निकाल के हेडिंग डाल दोगे और तैयार हो जाओगे मेरी तरह बिल्कुल शुरू करने के लिए चैप्टर नंबर सिक्स ट्राइंगल्स तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्राइंगल्स सबसे पहले जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है ट्राइंगल्स वो पढ़ा है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है ना कि यार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं जब उनका शेप और साइज दोनों एग्जैक्टली exactly सेम हो मतलब किसी एक ट्राइंगल को उठा के कि किसी और ट्राइंगल पे मैं रखूं तो वो दूसरे वाले ट्राइंगल को पूरी तरह छिपा दे मतलब बिल्कुल सेम शेप सेम साइज सब कुछ बराबर मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर है तो अपन बोलेंगे कि वो दो फिगर हमारे कॉन्ग्रेंट फिगर है पर सिमिलर में ये कंडीशन नहीं होती है अब जो हमको टेंथ में पढ़ना पढ़ना है वो है सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर तो ट्राइंगल्स होता क्या है बच्चा लोग एक बार ध्यान से देखते हैं यहां पे बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है कि टू जोमेट्रिकल फिगर्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस देखो सेम शेप होगा पर जो साइज है वो जरूरी नहीं है सेम हो वो डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी हुई तो भी सिमिलर तो है ही पर डिफरेंट भी हुई तो भी सिमिलर है यहाँ पे कुछ प्यारे-प्यारे एग्जांपल है पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर के दो फिगर बने हैं इन फिगर्स को क्या बोलोगे इट इज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर कि रेक्टेंगल स्क्वायर मान लो ये दो स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर है दोनों का जो शेप है वो सेम है बस मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इस वाले फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और ये बना दिया तो शेप तो सेम था पर साइजेस डिफरेंट हो गई तो ये दोनों मेरे सिमिलर फिगर्स हैं ये दोनों मेरे क्या है सिमिलर फिगर्स तो सिमिलर में क्या इंपॉर्टेंट है शेप सेम होता है साइजेस अलग अलग हो जाती है बहुत ही हलवा कॉन्सेप्ट था शेप सेम लिख लो सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है शेप शुड बी सेम साइजेस नॉट नेसेसरली सेम मतलब अलग भी हो सकती सेम भी हो सकती है दोनों बातें चल जाएगी ट्राइंगल्स ये छोटा ट्राइंगल उसी को मैंने बड़ा कर दिया दोनों क्या है सिमिलर सर्कल छोटा सर्कल बड़ा सर्कल दुनिया के जितने भी सर्कल्स होते हैं दे ऑल आर सिमिलर दे ऑल आर सिमिलर क्योंकि सर्कल का शेप तो सेम रहता है पर क्या ट्राइंगल्स में ऐसा होता है दुनिया के जितने भी ट्राइंगल्स वो सिमिलर होंगे नहीं यार मैंने यहीं पे मैंने यहीं पे एक डायग्राम तुम लोगों के सामने बना दिया बताओ यार ये वाला ट्राइंगल ये जो मैंने प्यारा सा ट्राइंगल बनाया बच्चा लोग है ना ये जो मैंने प्यारा सा ट्राइंगल बनाया है है ना ये जो मैंने प्यारा सा ट्राइंगल बनाया है एक क्या ये वाला ट्राइंगल इनसे सिमिलर है तो बिल्कुल नहीं इसको मैंने थोड़ा सा चपटा कर दिया शेप बदल दिया ना मैंने देखो ये ट्राइंगल बिल्कुल शेप सेम तब से इसको बड़ा किया पर यहां पे मैंने क्या किया इसको ऐसा खींच दिया ऐसा खींच दिया तो ये वाला जो व्हाइट ट्राइंगल बनाया है ये सिमिलर नहीं है इन दोनों के साथ पर हाँ ये दोनों क्या है सिमिलर तो सिमिलर का एक सिंबल होता है इस तरीके से जो लाइन है ना सीधी उसको ऐसे बना दो ओके तो अपन कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ये दोनों स्क्वायर सिमिलर है ये दोनों सर्कल सिमिलर है ठीक दुनिया के जितने भी सर्कल्स होते हैं दे ऑल आर सिमिलर रेडियस अलग अलग होगी मतलब साइजेस अलग अलग होगी पर जो शेप है वो तो सर्कल ही होगा ठीक है तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी जितने भी स्क्वेयर्स होते ऑल द स्क्वेयर्स आर सिमिलर फिगर्स ठीक है अब ये तो आपने बता दिया विजुअलाइज करके हम बता देंगे कि कौन सा फिगर सिमिलर है कौन सा फिगर सिमिलर नहीं है एक चीज तुम पढ़ के आए थे एक चीज तुम पढ़ के आए थे दैट इज कॉन्ग्रेंट है ना कॉन्ग्रेंट पढ़ के आए थे टेंथ में तुमको क्या पढ़ना है सिमिलर पढ़ना है मैं एक चीज बताऊं कॉन्ग्रेंट क्या होता है जब दो फिगर है ना दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बातें कर रहे हैं इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज और मैं कहूं बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर्स तो भी मेरा बोलना गलत नहीं होगा ऐसे फिगर जिनका शेप भी सेम है जिनकी साइजेस भी सेम है उनको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर में क्या लिखोगे दे हैव सेम शेप दे हैव दे हैव सेम शेप But may have, but may have different sizes. अभी हाल हमने ये चीज देख ली मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को यह बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं दे ऑल आर सिमिलर फिगर्स दे ऑल आर सिमिलर फिगर्स क्यों क्योंकि उनके सारे एंगल्स मतलब उनके तीनों एंगल 60, 60, 60 होते हैं है ना उनकी सब साइड बराबर होती है तो यार मैं छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं या मैं बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं है ना दोनों क्या होंगे सिमिलर पर कॉन्ग्रेंट में पता है क्या होता है दोनों की साइजेस भी सेम होती है मतलब कभी मैं दोनों इक्विलेट्रल ट्राइंगल बना रहा हूं और उनको कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं तो मतलब कभी मेरी एक साइड दो सेंटीमीटर की ट्राइंगल मतलब समझते हो ना जिसकी तीन साइड तीन एंगल भाई ये सब चीजें नहीं बताई जाएगी इतना तो अज्यूम कर ही सकता हूं कि इतनी बातें पता है कॉन्ग्रेंट में क्या होगा बच्चा जब मैं बनाऊंगा ना कोई ट्राइंगल तो बिल्कुल सेम बनूंगा जैसे ये मेरा एक ट्राइंगल है अब मेरे को इसके एक और फिगर बनाना है तो वो फिगर बिल्कुल इसको सुपर इम्पोज कर दे वो फिगर बिल्कुल ये वाले पहले वाले फिगर को कभी सुपर इम्पोज कर रहा है मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप का है तभी मैं उसको बोलूंगा कि देखो ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल था उसको येलो वाले ट्राइंगल ने पूरा सुपर इंपोज कर दिया तब मैं बोलूंगा कि वो दो फिगर क्या थे कॉन्गरेंट कॉनगरेंट टफ था नाइन्थ में जो पढ़ के आए वो टफ था टेंथ में जो पढ़ना है वो आसान है तो शुरू करें अब आ जाओ ये तो बहुत बेसिक आइडिया दे दिया बच्चा लोग ये पता होगा नहीं पता था तो लिख ली सारी बातें कि कॉन्ग्रेंसी पढ़ के आए थे उसका मतलब एग्जैक्टली सेम शेप एग्जैक्टली सेम साइज मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल फिगर एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दे मतलब मतलब ये मेरा एक हाथ है 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 ना ये मेरा एक हाथ समझना ये मेरा एक हाथ है इसके ऊपर मैंने एक और हाथ अब मैंने जैसे ही इस पे ये हाथ रखा तो पीछे वाला हाथ दिख रहा है क्या मेरा केवल ये पंजे को देखना अभी हाथ को मत देख लेना केवल पंजे को पंजा दिख रहा है क्या पीछे वाला नहीं दिख रहा है मतलब ये दोनों पंजे बिल्कुल क्या है कॉन बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई जब किसी दूसरे को सुपर इंपोज कर दे और एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज का हो तो वो क्या होगा आपका कॉन्ग्रेंट फिगर और कभी सेम शेप पर डिफरेंट साइजेस है तो वो क्या होंगे सिमिलर फिगर्स आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू केवल ट्राइंगल में ये बातें नहीं होती कोई भी फिगर में ये बातें लगा सकते हो जैसे आगे बढ़े कब कहोगे कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है कब कहोगे दो सर्कल कॉन्गरेंट है जब उनकी रेडियस सेम होगी भाई कभी दो सर्कल की रेडियस सेम है तो वो क्या होंगे कॉन्गरेंट है ना अब देखो यहां पे पॉलीगन लिखा है पॉलीगन मतलब क्या होता है पॉलीगन मतलब होता है कि ऐसा फिगर जिसकी एन नंबर ऑफ साइड हो होन कुछ भी हो सकता है एन तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है पांच भी हो सकता है तीन होता है जब उसको ट्राइंगल बोलते हैं एन चार होता है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं एन पांच होता है तो उसको पेंटागन बोलते हैं एन छह होता है तो हेक्सागन हेग्जा, बोलते छह साइड वाला ऐसा तुमने देखा होगा है ना इस तरीके का फिगर तो टू पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड मैंने एक और बना दिया यहाँ पे है ना एक छोटा बना लेते हैं एक बड़ा तो बना ही लिया तो एक छोटा सा बना लेते हैं हम्म इन दो फिगर को इनकी नंबर ऑफ साइड सेम है देखो ये मैंने एक बनाया ए बी सी डी ई एफ ठीक है अब इधर बना देते हैं एक पी क्यू आर एस टी यू अब देखो ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर एस टी यू ये दोनों सिमिलर फिगर कब होंगे इन्होंने कंडीशन बोली है कि ऑल द करस्पॉिंग एंगल्स आर इक्वल कभी मैं कह रहा हूं इसमें ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी मैं कह रहा हूं कि यार जो पॉलीगन है मेरा पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ इज सिमिलर टू ये साइन बताया था ना सिमिलर का कॉन्ग्रेंट का साइन पता है तुम लोगों को नाइन्थ में पढ़ के आए थे यहां पे लिख देता हूं कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है ऐसा इक्वल के ऊपर ऐसी रस्सी लगा दो मतलब थोड़ी सी लहराती हुई लाइन है ना और सिमिलर का ये होता है ठीक है अब आ जाओ अब पॉलीगन ए बी सी डी ई e, एफ सिमिलर होगा पॉलीगन पॉलीगन पी क्यू आर एस टी यू कब होगा इंपॉर्टेंट है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए एंगल डी एंगल एस के बराबर होना चाहिए एंगल ई एंगल टी के बराबर होना चाहिए और एंगल एफ एंगल यू के बराबर होना चाहिए तब मैं कहूंगा तब मैं कहूंगा कि ये दो पॉलीगन ये दो पॉलीगन क्या है सिमिलर है और ऑल द करस्पॉ साइड्स आर इन द सेम रेशो ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये जो साइड्स बन रही है ना दे आर इन द सेम रेशो मतलब देखो तुमको कंडीशन लिखवा देते हैं बढ़िया सी ये सब आप कर देते हैं ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मतलब ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझना यहां पे ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर इस बात को थोड़ा सा गौर करना यार ए के सामने क्या लिखा है पी तो एंगल ए यहां पे लिख दो ये सारी कंडीशन कि जो हमारा एंगल ए है वो किसके बराबर होगा एंगल पी के जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के एंगल सी जो है वो एंगल आर के क्योंकि ए के साथ पी लिखा है ऑर्डर देखो बी के साथ क्यू लिखा है सी के साथ आर लिखा है डी इधर से चौथा तो इधर से भी चौथा चो, तो डी के साथ एंगल डी बराबर एंगल एस एंगल ई e बराबर एंगल टी एंगल एफ बराबर एंगल यू करस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गए और सेकेंड कंडीशन क्या बोली करस्पोंडिंग साइड आर इन द सेम प्रपोर्शन मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के वो इक्वल है सी डी अपॉन पी क्यू आर एस डी ई अपॉन एस टी और इसके बाद इधर ही लिख देते हैं डी के बाद ई एफ अपॉन टी यू और एफ ए एफ ए अपॉन यू मतलब देखो तुम ऑर्डर ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस उसी तरीके से मैंने लिखा है डी ई अपॉन एस टी ई एफ अपॉन डी यू और एफ दोनों एक्सट्रीम ए एफ बराबर पी यू आप ये भी देख सकते हो कैसे लिया ए बी के साथ पी क्यू बी सी क्यू आर सी डी आर एस एस टी मतलब डी अपॉन एस टी ई एफ अपॉन एस ए इस वे में मैंने ये सारी साइड को प्रोपोर्शनल बोल दिया मतलब कभी कभार क्या होता है कि आप फिगर देख रहे हो आपको देख तो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के मतलब सेम शेप के लग रहे हैं डिफरेंट साइज के लग रहे हैं आपको लग रहा है कि वो सिमिलर है पर यार कभी उनका रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है रेशियो अलग अलग आ रहा है तो वो फिगर सिमिलर नहीं होंगे ये बात इंपॉर्टेंट है उनके एंगल तो आप मेजर करोगे नहीं पर कभी साइड उन्होंने आप लोगों को दे रखी है उन्होंने आपको साइड दे रखी है सारी साइड दोनों पॉलीगन की दे रखी है तो आप क्या करोगे कि यार जो उन्होंने बोला है कि ये पॉलीगन इससे सिमिलर है तो रेशियो देख लो कि यार जो लिखा है वो सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल मतलब बराबर होना चाहिए तो हमने ये करके देख लेना है क्लियर है ये पॉइंट तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द करस्पॉग एंगल्स आर इक्वल ऑल द करस्पॉग एंगल्स आर इक्वल मतलब करस्पोंडिंग एंगल एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो जो भी करस्पोंडिंग साइड का रेशो है दैट शुड बी सेम मतलब ये सब आपस में बराबर होने चाहिए मुस्कुराओ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था बड़े आगे तो दो पॉलीगन को सिमिलर कब बोलोगे जब ये दो कंडीशन ट्रू होगी आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू अच्छा सिमिलर ट्राइंगल्स की बात कर लेते कि कब दो ट्राइंगल को आप लोग कहोगे कि वो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर अगेन देयर आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मैंने पॉलीगन भी क्या बोला था पॉलीगन में एन नंबर ऑफ साइड थी ट्राइंगल में तीन साइड होगी पर कंडीशन वही ये ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल। कभी ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू सिमिलर। कब होंगे similar? दोनों बातें समझो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब आपका एंगल ए जो है बिल्कुल उसी ऑर्डर में एंगल A, एंगल पी के बराबर होगा एंगल बी बीच वाला बीच वाले एंगल के बराबर आखिरी वाला एंगल सी एंगल आर के बराबर एंगल सी एंगल आर के बराबर और साइड्स का जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी सी ए लिखो या ए सी लिखो बात एक ए की उस साइड की बात कर रहा हूं है ना तो आपको यह तो कोई दिक्कत नहीं होगी सीए साइड मतलब ये वाली साइड उसका प्रोपोर्शनल इसके साथ आर पी के साथ वो सेम होना चाहिए तब मैं तब मैं कि ये दोनों फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दे बोथ आर सिमिलर दे बोथ आर सिमिलर ओके ये सिमिलर कब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे दिस विल बी द कंडीशन है ना and their corresponding sides are in proportional their corresponding sides are in proportional ठीक है ट्राइंगल आपको पता है तीन लाइनों से बनता है इसमें ये जो होती है ये तीन वर्टेक्स होती है ए बी सी ये तीन एंगल है एंगल ए एंगल पी के बराबर दिख ही रहा है एंगल बी में दो है एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है ठीक है तो दो ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है वो भी बराबर है या मैं कहूं साइड है समझ में आ गया क्या पप्पू था सर ये तो हमें समझ गया केवल इतनी बात है अभी मैं क्राइटेरिया तुमको अगले लेक्चर में बताऊंगा है ना अभी केवल ये समझो कि सिमिलैरिटी तुम देख पा रहे हो कि नहीं तो पहली एक्सरसाइज तो तुमसे बन जाएगी अब यार कोई तुमसे कहे कोई तुमसे कहे कि एक फिगर ये है ए बी फी, टेक, और एक फिगर है ये, पी क्यू और आर ठीक इन्होंने ए बी दे दिया तुमको टू सेंटीमीटर इन्होंने पी क्यू तुमको दे दिया फोर सेंटीमीटर बी सी इन्होंने दे दिया वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन्होंने ये तुमसे पूछ लिया इन्होंने ये तुमसे पूछ लिया है ना और ये तुमको दे दिया इन्होंने ये तुमको दे दिया मानो 1.75 सेंटीमीटर ठीक है ये दे दिया तुमको 1.75 और इधर का तुमको रेशो दे दिया मानो हम्म हम्म हु, ऐसा दे दिया 3.5 सेंटीमीटर ठीक है ये तुमको रेशो दे दिया तुमको एक्स की वैल्यू बतानी है उन्होंने बोल दिया कि यार ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के तो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू कभी यार दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए इन्होंने लिख दिया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के वो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ मतलब आपको पता है यार इनकी जो साइड्स का रेशो है मतलब मैं कह सकता हूं कि सर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ऑर्डर याद रखना ए बी लिख रहे हो तो ए बी के नीचे पी क्यू लिखना बी सी लिख रहे हो तो क्यू आर लिखना ए से सी लिख रहे हो तो पी से आर लिखना ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर ठीक है तुम देख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू दट इज टू बाई फोर BC अपॉन QR, आर कितना है 1.5 पॉइंट अपॉन एक्स और यह कितना है 1.75 पॉइंट सेवन फाइव अपॉन थ्री पॉइंट फाइव इस तरीके से हो गया अब यहां पर अपन देखे तो यह वन बाई टू आ रहा है ये भी वन बाई टू आ रहा है है ना तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू तुम देख पा रहे हो है ना ये वाली इक्वेशन को लें तो वन बाई टू बराबर वन पॉइंट फाइव बाई एक्स तो एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल से सब बच्चों की आ गई होगी दैट इज थ्री सेंटीमीटर बेसिक एग्जाम्पल दिया था कि तुमसे ऐसे साइड भी पूछ सकता है तो सिमिलर हम क्यों पढ़ रहे सिमिलर ट्राइंगल हम क्यों पढ़ रहे कभी कभार क्या होता है किसी लेंथ को डायरेक्टली मेजर हम नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्केल है ना तो हमारे पास एक छोटा सा ट्राइंगल अपन पेपर में बनाएंगे ठीक है छोटा ट्राइंगल अपन पेपर में बनाएंगे वो छोटा ट्राइंगल अपन पेपर में इस तरीके से बनाएंगे कि जो मेरा रियल लाइफ में बड़ा ट्राइंगल बन रहा है जो मेरा रियल लाइफ में बड़ा ट्राइंगल बन रहा है मतलब अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपन जो भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना दैट इज ऑल बेस्ड ऑन सिमिलर ट्राइंगल मतलब सिमिलर ट्राइंगल का इतना बड़ा यूज है कि देखो मेरे को इस ट्राइंगल के मेजरमेंट पता थे मैंने बिना स्केल को लाए मैंने बिना स्केल को लाए इसकी लेंथ फाइंड कर ली ये फील ले पा रहे हो मतलब यार मैं एक्स की वैल्यू निकाल पा रहा हूं बिना मेजरमेंट किए बिना मेजरमेंट किए कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब मैंने कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया होगा छोटे ट्राइंगल का कि यार एंगल ए मेरा एंगल पी के बराबर है जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है और जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन किया और मेरे कंस्ट्रक्शन से मुझे क्या यूज हुआ कि यार ये वाला जो बड़ा है उसकी मैंने एक कर ली। उसकी मैंने मैंने एक एक साइड साइड मेजर मेजर कर कर ली ली विद द हेल्प ऑफ माय छोटा जिसकी साइड मुझे दी हुई थी तो सिमिलर ट्राइंगल का इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब एक आइडिया दे देता है ये अपने को साइड का मेजरमेंट करने यहां से चांद कितनी दूर है यहां से तुमको किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो एंगल ऑफ एलुएशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सब चीजें बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में केवल अभी एक फील दे रहा था कि विद द द हेल्प ऑफ सिमिलर यू यू कैन कैन मेजर मेजर लेंथ ओके ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है एक आइडिया होता है तरीका कि यार बिना स्केल के डायरेक्ट मेजरमेंट तो स्केल रखा मेजर कर दी क्यू आर की लेंथ एक तरीका तो ये है नहीं करेंगे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाया दोनों ट्राइंगल कभी सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है और इसकी हेल्प से तुम हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेते हो है ना भाई बुर्ज खलीफा की हाइट तो ऐसा तो नहीं किया था कि टेप लेके मेजर करी कि भाई कितनी हाइट है बुर्ज खलीफा की है ना तो ऐसे मेजर करने जाओगे तो पागल हो जाओगे कितना बड़ा टेप लेके आना पड़ेगा कितना बड़ा स्केल लेके आना पड़ेगा माउंट एवरेस्ट की हाइट आठ किलोमीटर से भी ज्यादा है तो क्या टेप से मेजर करोगे उस माउंटेन की हाइट तो ये तरीके होते हैं कि यार एंगल ऑफ एलिवेशन देखो उसका टॉप पॉइंट से मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिविल इंजीनियरिंग कभी करोगे आगे तो मतलब तुमको विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट तुम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड कर लेते हो इजीली उसमें मतलब जितना तुमने उठाया अपनी दूरबीन को एक्चुअली उसमें लेंस लगे होते हैं और उसके हेल्प से तुम मेजर करते हो एंगल और एंगल और साइड में एक रिलेशन दे दिया ट्रिग्नोमेट्री ने तो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का दोनों का कॉम्बिनेशन लेके तुम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हो किसी भी चीज की कितना भी बड़ा डिस्टेंस क्यों ना हो तुम इजीली मेजर कर लोगे आई बात समझ में क्योंकि विजन जो अपना है जो अपनी आंखों की रोशनी वो तो अथा है तो विजन अथा है तो मेजरमेंट भी अथा लेवल पे किया जा सकता है आई होप ये क्लिक हुआ होगा ये फील आया होगा तो बढ़ते हैं आगे सीबीएसई दो हजार पंद्रह का एक सवाल है अच्छा सिंबल थोड़ा सा गलत है यहां पर है ना तो इसको सिमिलर कर लो एबीसी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है PQR का AB की वैल्यू दे की वैल्यू दे दे दिया का. मतलब समझते हो ना थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल तो यहां पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा क्या पूरा ही बनाएंगे ये एबीसी बना दिया मानो और ये पी क्यू आर बना दिया पी क्यू आर बना दिया अब क्या पूछा है इन्होंने पेरीमीटर पूछा है पी क्यू आर का मतलब दे आर वॉन्टिंग हम ये निकाले पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर की वैल्यू ये इनका टारगेट है इन्होंने एबी दे दिया दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव बी सी हमें नहीं पता क्यू आर भी हमें नहीं पता इन्होंने पी क्यू दे दिया हमें टेन पॉइंट फोर क्या क्या दिया है सीबीएसई दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन है अब यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया लगाना रहेगा देखो यार जरा बहुत आसानी से मैं कह सकता हूं जो पेरीमीटर दे रखा है मुझे ए बी सी का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज पेरीमीटर ए बी सी का पेरीमीटर दे रखा है साहट मतलब इन तीनों साइड का सम दे रखा है साहट पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल तो एबीसी का दे रखा है दैट इज सट तो ये आपको गिवन है ये हमारा टारगेट है अब यार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोले हैं तो इन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल पी क्यू आर कभी वो सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर अब ए बी अपॉन पी क्यू मतलब सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन टेन पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट फाइव अपॉन टेन पॉइंट फोर ये तो थर्टीन की टेबल में फाइव बाई एट आ जाएगा तो यहां से अपना निकल गया ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू फाइव अपॉन एट बात समझ में आई बहुत ही आसानी से हमने ये निकाल दियावल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू फाइव बाई एट चमका गया किसी को ये आ गया मतलब मैं ए बी की वैल्यू लिख सकता हूं फाइव बाई एट पी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूं फाइव बाई एट क्यू आर और AC की वैल्यू लिख सकता हूं फाइव बाई एट पी आर अरे सर मचा दिया फाइव बाई एट पी क्यू बी सी की वैल्यू फाइव बाई एट क्यू आर और AC की वैल्यू फाइव बाई एट पी आर के बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पेरीमीटर ए बी सी का तो दे रखा है तो इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो फाइव बाई एट फाइव बाई एट क्या दे रखा था देखो मैं वो भी लिख देता हूं तुमको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तुमको दे रखा है साहठ मतलब तुमको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज इक्वल टू साहठ अभी ए बी की वैल्यू निकली फाइव बाई एट बी क्यू फाइव बाई एट मतलब क्यू आर और फाइव बाई एट पी आर दट इज इक्वल टू साहट तो फाइव बाई एट कॉमन निकाल दिया यह क्या बन रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर अरे मचा दिया मचा दिया भाई मचा दिया यही तो निकालना था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइव बाई एट उधर जाएगा तो एट बाई फाइव हो जाएगा दैट इज सिक्सटी इन टू एट बाई फाइव ये ट्वेल्व हो गया ट्वेल्वी सिक्स सेंटीमीटर ऑफ पी क्यू आर विल बी इक्वल टू नाइनटी सिक्स सेंटीमीटर अप्रोच समझ में आई अप्रोच समझ में आई आराम से देखो कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है तुमको पेरीमीटर दिया था एक साइड दी थी तुमने दूसरे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लिया उसकी केवल एक साइड दी थी बिना दो साइड को निकाले पैरिमीटर निकल गया समझ गए तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है दिया क्या है कंडीशन लगाओ क्योंकि ये आपको पता है कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होता है तो वो अप्लाई किया और ये सवाल बना दिया बड़े आगे बड़े आगे नोट कर लिया 96 सेंटीमीटर सबका आंसर आ गया पक्का चलो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्रैक कर दिया अपन ऐसे हल्के क्वेश्चन लेते नहीं है क्वेश्चन होने चाहिए भारी तो अगला सवाल इट इज गिवन द्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी एफ अब ऑर्डर इम्पोर्टेंट है बच्चा क्या लिखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ईडीएफ के पहले बनाओ ए बी सी पहले बनाने का ए बी सी फिर बनाने का ईडीएफ ये बना दिया ये बनाया ए बी सी और ये बना दिया ई डी एफ है ना अब क्या कह रहा है ए बी जो है वो फाइव सेंटीमीटर ए क्यू कितना है ए क्यू ए क्यू नहीं होगा वो ए सी होगा है ना ए क्यू गलत छप गया है वो क्या होगा ए बी और ए सी क्यू नहीं सी कर लो उसको तुमको ए बी दे रखा है फाइव सेंटीमीटर क्यू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे एबीसी और ईडीएफ की बात कर रहे हैं तो ए बी तुमको दे रखा है और ए सी दे रखा है मतलब ए बी पांच दे रखा है और ए सी ए सी जो है वो तुमको कितना दे रखा है सेवन है ना वहां पे करेक्शन कर लेना क्यू की जगह क्या आएगा सी आएगा कुछ टाइपिंग एरर हो गई है एफ कितना है फिफ्टीन है बहुत बढ़िया ई कितना है बारह है अरे मचा ही देंगे क्या निकालना है बच्चा फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ये एक्स निकालना है और ये वाई निकालना है जो भी निकालना है उसको अपन ने एक वेरिएबल मान लिया तो लेट बी सी बी माई एक्स एंड ई एफ बी माई वाई यही निकालना था तो हमारा मेन टारगेट क्या है फाइंड एक्स एंड वाई डायग्राम बना देते तो क्वेश्चन का फील आ जाता है अब मेरा जो ट्राइंगल सिमिलर है वो क्या है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ मैंने बोला ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों ने भी मेरी बात मानी ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन डी एफ बराबर ए सी अपॉन ई एफ इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर उनकी जो साइड्स है का रेशो है दैट शुड बी इक्वल तो ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन डी एफ और सी अपॉन ई एफ अब यार यहां से दो इक्वेशन बन जाएगी एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो पहले में पहले में कभी बारह बी सी बी सी मैंने एक्स मान लिया है ना बी सी मेरा एक्स है अपॉन डी एफ डी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज भाई डी एफ तुमको पंद्रह दे रखा है तो यहां से मैं देखूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है पांच इंटू पंद्रह अपॉन बारह ये पंद्रह को उधर भेजा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा अब ये थ्री की टेबल में फोर टाइम्स ये गया पांच बार ये बना पच्चीस बाय चार आपको और सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव ठीक है सिक्स पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर तुम्हारा एक्स हो गया मतलब एक्स क्या माना था दैट इज बी सी तुम्हारा हो गया सिक्स सेंटीमीटर अब बी सी पता लग गया तुम या तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो ले सकते हो ए सी की वैल्यू पता है ई एफ निकालना है ए बी पता है और ई डी पता है अब दूसरा वाला ले लेते ले ले हैं ए बी अपॉन ईडी इक्वल ले लेते हैं ए सी अपॉन ई एफ वाला है ना ये बच गया है तो यही ले लेते हैं ए बी की वैल्यू पता है ईडी की वैल्यू पता है ए सी पता है ई एफ निकल जाएगा ई एफ ही बचा है निकालना तो इसके बाद कभी मैं लिखूं तो ए बी अपॉन ए बी अपॉन क्या करना है ईडी दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन ई डी बराबर ए सी अपॉन ई एफ ए बी कितना है बच्चा ए बी है ई डी कितना है ई डी बारह है ए सी कितना है ए सी आपका सात है और ई एफ कितना है वाई है तो ये अपना आ गया वाई बराबर सेवन इंटू ट्वेल्व अपॉन फाइव दैट इज एटी फोर अपॉन फाइव ट इज 16.8 पॉइंट एट सेंटी मीटर वैल्यू ऑफ वाई और वाई क्या था वाई इज नैल्यू आ गई सिक्सटीन पॉइंट एट सेंटी मीटर मचा दिया सबने आंसर यही आ रहा है तो तुमको केवल सिमिलर ट्राइंगल वाला लॉजिक लगाना है कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है बड़े आगे चलो अब यार ये थियरम थेल्स थ्योरम का प्रूफ बता देते हैं है ना ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम इसी को बेसिक प्रपोशनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं तो प्रूफ आने की प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की ज़्यादा होती है पर इसका प्रूफ भी समझ लो क्योंकि प्रूफ से तुम जो मिड पॉइंट थियरम पढ़ के आए हो मिड पॉइंट थियरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम ये दो तुम्हारे होमवर्क रहेंगे मैं बताऊंगा इसको प्रूफ करने के बाद वो तुम्हें खुद से करके तुम्हारा जो है तुमको कमेंट में ये लिखना है कि वो प्रूफ हो गया तुमने एक प्रूफ सीखा होगा याद करो नाइन्थ स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट थियरम पढ़ी है क्या थी थियरम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कभी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो पैरल है थर्ड साइड के तो वो बाइसेक्ट करेगी इस वाली साइड को पढ़ा था ना ये नहीं पढ़ा था क्या करा देंगे रिवाइज मत घबराया करो अभी आओ तुम थेल्स ये इस पे थेल्स थ्योरम पे ये मैंने माना ए बी सी मेरा ट्राइंगल है ए बी सी मेरा प्यारा सा ट्राइंगल है ये कह रहे हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी डी ओके इट इज पैरेलल टू बी सी ये गिवन है क्योंकि यार ज्योमेट्री है तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या गिवन है डी इज पैरल टू बी सी सिंबल होता है पैरल का है ना तो डी जो है वो है है के ठीक है, थोड़ा पैरल बना भी देते हैं अच्छे से ठीक डी जो है वो पैरल बी सी के अब क्या कह रहा है ये गिवन है।, है ना ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू साइड इन टू डिस्टिंग डिवाइडेड इन द सेम रेशो। आपको प्रूव करना है आपको प्रूव करना है कि जो ए डी अपॉन डी बी है दैट विल बी इक्वल टू एन ई सी कभी ये लाइन इसके पैरल है बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियोरम क्या कहती है कि कभी मैंने कोई लाइन जो किसी एक साइड ऑफ अ ऑफ्राइंगल से पैरल है तो वो बाकी दो साइड को बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी मतलब अपॉन अपॉन बराबर होगा के ये प्रूफ करना है है बहुत आसान प्रूव है। थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें कंस्ट्रक्शन तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा तो इसके कुछ कंस्ट्रक्शन है वो अपन पहले ड्रॉ कर लेते हैं डी से तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ए पर ये बना दिया मैंने डी E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक ठीक और ज्वाइन करना पड़ेगा बीई को और डी सी को इस तरीके से. है ना, मैं दूसरे पेन से ज्वाइन कर देता हूं कभी तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ऐसे ज्वाइन करना रहेगा ठीक कोई दिक्कत नहीं होगी ज्वाइनिंग में तो है ना ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो जो भी मैं करता हूं वो मेरे को ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा इसके बिना नहीं होगा प्रूफ ठीक कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि ड्रॉ करना है ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम डी ओके ड्रॉ ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू एसी ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ड्रॉ एंड ड्रॉ डीएम तो ड्रॉ करा ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ध्यान से देखना इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है यहां ई एन भी अपन ने परपेंडिकुलर किसके ड्रॉ किया ए बी के भाई मैंने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है अब मैं ये क्यों कर रहा हूं ध्यान से सारी बातों को समझना मेरे को प्रूफ करना है यार ये ए डी अपॉन डी का रेशो इक्वल हो ए अपॉन ई सी के कभी ये दो लाइने पैरल तुम्हें गिवन है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के तो मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन क्या किया यार ये डी पॉइंट को है ना और यहां पे लिख देना ज्वाइन कर देना ज्वाइन कर देना डी एंड बी ये ज्वाइन कर दिया ये ज्वाइन कर दिया डी और बी को ठीक

अब दिख रहा है डीएम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किस पर एसी परिखना चाहू एडीई का एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी का मैं एरिया लिखना चाहूं इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी दोनों बेस को क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है एडी चाहिए मेरे को ए -E भी चाहिए तो एक बार एडी को बेस लिख के एरिया लिखो और एक बार ए को बेस लिख कर एरिया लिखो बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि प्रूफ देखो इसका मैं कह रहा हूं कि तुम लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई तो तुम बोलोगे हाफ बेस एक बार बेस एडी को मान लो एक बार बेस एडी को मान लो जब बेस एडी को मानोगे ये मेरा बेस है तो इस ट्रायंगल ADE में मतलब किस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं ध्यान से बात को समझना इस ट्रायंगल ADE का इस ट्रायंगल ADE का इस ट्रायंगल AD -E का ध्यान से देखो बच्चा कभी AD बेस है कभी AD बेस है है ना तो हाइट क्या होगी तो हाइट क्या होगी EN हाइट क्या होगी EN कभी AD बेस है AD बेस है तो हाइट EN होगी और कभी AE बेस है तो हाइट क्या होगी DM पर है तो दोनों एडी ही कही तो एडी बेस है तो हाइट क्या हो गई ई एन हाइट क्या हो गई ई एन तो यहां पे लिखा इन टू ई और ये बेसिकली है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी तो हाफ जब ए तो तो हा ही बेस होगा तो हाइट क्या होगी डी एम बात समझ में आ गई डी एम होगी जब ए ही बेस होगा तो डी एम हाइट होगी जब ए डी बेस है तो ई एन हाइट होगी है ना अब मैंने बेस इसको नहीं माना डी को बेस नहीं माना इधर वाले को बेस मान लिया एक बार और एक बार इधर वाले को बेस मान किसी को भी बेस मान सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से ये निकल गया अब ये दो प्यारे से ट्रायंगल और देखो अब ये दो प्यारे से ट्रायंगल और देखो एक ये वाला ट्रायंगल कौन सा डी ई बी डी ई बी इसको देखो ध्यान से है ना डी ई बी को और डी ई सी को डी ई सी और डी ई बी इन दोनों ट्राइंगल दे बोथ लाए ऑन द सेम बेस दैट इज डी एंड बिटवीन द सेम पैरल दे बोथ लाए बिटवीन द सेम बेस सेम बेस क्या इनका डी और सेम पैरल क्या डी और बी सी यार ये तो नाइन्थ में एक चैप्टर था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरलोग्राम वहां पे एक प्रॉपर्टी थी कि कभी दो ट्राइंगल ये डी ई e, बी ट्राइंगल को देखा और डीई सी e, ट्राइंगल को देखा दोनों डी बेस पर है और सेम पैरेलल पे हैं तो इन दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा बिल्कुल सही बात इन दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा पर उस बराबर को लिखने के पहले उस बराबर को लिखने के पहले पहले एरिया लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी कोई मुझे बता सकता है मेरे को यहां पे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी है ना अब देखो यार ये डी बी जो डी है मेरा ट्राइंगल्टज एंगल ट्राइंगल है किसी भी ऑप्टिकुज एंगल ट्राइंगल को देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे डायग्राम ये कुछ इस तरीके से मेरा ट्राइंगल है डी बी जहां पे ये डी है ये डी है ये बी है और ये ई है ऑप्टिकुज एंगल ट्राइंगल में कभी मैं बी डी को बेस मानूँ तो हाइट हमेशा कहाँ होती है ट्राइंगल के बाहर तो ई से परपेंडिकुलर किस पे ये बी डी लाइन को एक्सटेंड किया तो यार ये बी डी लाइन को एक्सटेंड तो A तक किया है e से परपेंडिकुलर ई एन आ रहा है मतलब इसकी भी जो हाइट होगी वो तो E एन ही होगी और बेस क्या होगा बी डी तो यहां पे कभी मैं इसका एरिया लिखना चाहूं तो हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन होगा बिल्कुल सही बात हाफ बेस हो जाएगा बी डी हाइट हो जाएगी ई e एन बहुत ही सही इसी तरीके से मैं यहां पर कभी एरिया लिखना चाहूं दूसरा वाला जो उसके बराबर है दैट इज डी तो ट्राइंगल डी भी मेरा ऑप्टिकस एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू हाफ इंटू ये मेरे को ई सी तो चाहिए into, perpendicular, भाई इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर DM. तो DM लिख दो इन DM अब यार ये वाला ट्राइंगल मैं मिटा देता हूं है ना ये बात तो समझ में आ गई होगी अब ये वाला जो ट्राइंगल है, है ना ये वाला जो ट्राइंगल है हाफ ट इज इक्वल टू बी डी इंटूए है ना इंटू ईन या डी बी लिखो या बी डी लिखो बात एक ही है इक्वेशन इक्वेशन मानो दिस इज माई फर्स्ट दिस इज माई सेकेंड एंड दिस इज माई थर्ड सेकेंड और थर्ड बराबर है सेकेंड और थर्ड बराबर है सेकेंड और थर्ड बराबर है तो so, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं तो सेकेंड इज इक्वल टू थ्री लिखोगे क्या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी इक्वल बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरल बहुत ही बढ़िया तो इनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल शुड बी इक्वल बिकॉज दे ऑन द सेम बेस बेस क्या है सेम पैरल क्या होगा दैट विल बी डी एफ इज पैरल टू बी सी बहुत बढ़िया अब यार ये दोनों बराबर है सेकेंड इज इक्वल टू थ्री मतलब मैं लिख सकता हूं हाफ डी बी इज इक्वल टू ई एन एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू हाफ ई सी इंटू डी एम है ना अब मेरे को यह पता है ये वाली इक्वेशन जो वन है उसको भी एक बार वापस से लिखते हैं तो हाफ इन टू ए डी ध्यान से देखना सारी बातें समझ में आ रही होगी हाफ ए डी इंटू ई एन बराबर हाफ है ना हाफ ए डी इंटू ई एन बराबर हाफ AE टू डी एम एंटू डी एम अब यार ये मेरी इक्वेशन वन थी ये मेरी इक्वेशन टू और थ्री को कंबाइन करके मानो इक्वेशन फोर आ गई कभी मैं इक्वेशन वन को डिवाइड कर दूं इक्वेशन फोर से तो क्या बनेगा एन से ई कैंसल हाफ से हाफ कैंसल एडी अपॉन डीबी आ जाएगा इधर एडी अपॉन डीबी इसको डिवाइड कर दिया तो एडी अपॉन D.B. बराबर डीएम से डीएम हाफ से हाफ E.C. ईसी अपॉन ईसी यही तो प्रूफ करना था यही तो प्रूफ करना था प्रूफ अब कभी ये बराबर है तो प्लस वन करोगे प्लस वन करोगे तो एडी प्लस डीबी ए डी प्लस डी बी ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा ए बी ए बी अपॉन ए डी बी बराबर होता है ए सी अपॉन एन बराबर होता है EC upon AC के. अरे प्लस वन और माइनस वन करके तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो ना कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के ये तो चमक रहा है कि नहीं कुछ नहीं है इसमें प्लस वन कर देना ये तो अपना एक प्रूफ हो गया जो बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है यहाँ पे बात समझ में आई इससे इसको डिवाइड किया इक्वेशन वन को इक्वेशन फोर से डिवाइड किया तो एल में देखोगे तो हाफ से हाफ कैंसिल से ए डी अपॉन डी बी बन जाएगा ए अपॉन ई सी बन जाएगा बात समझ में आ गई अब तुम है ना इससे ये रिलेशन भी निकाल मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलरली वी कैन से डायग्राम को देखते जाओ बस ए डी अपॉन ए बी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन ए सी ये भी बराबर होंगे और मैं कहूं तो डी बी अपॉन ए बी डी बी अपॉन पूरा ए बी बराबर टू ई सी अपॉन ए सी ये भी बराबर होंगे ये नोट डाल लेना यहां पे मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं क्योंकि यहां पे अपन ने रिलेशन निकाले हैं ये ए बी सी ये अपना डी ई e, तो मैं कह रहा हूं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर आ गया ए ई अपॉन ई सी के ये तो प्रूव कर दिया अब इसी में प्लस वन कर दोगे इसी में प्लस वन कर दोगे और रेसिप्रोकल कर दोगे तो ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा बच्चा ए बी अपॉन डी बी ये वाला रिलेशन बन जाएगा है ना रेसिप्रोकल करके प्लस वन करोगे तो दूसरा ये वाला रिलेशन बन जाएगा तो बन तो सकते हैं सारी चीजें है ना मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होगा नहीं तो ये इंपॉर्टेंट ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है ठीक कुछ भी साइड में रेशो दे रखा है तो आप बाकी का काम कर सकते हो बेसिक प्रोपोशनैलिटी थियोरम यही कहती है कि कभी दो साइड मतलब डी कभी पैरल दे दिया बीसी के किसी ट्राइंगल में तो एडी अपॉन डी बी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के या मैं ए बोलू एन एडी बराबर होगा ए सी अपॉन ए के है ना या मैं या मैं बोलू सॉरी डी बी अपॉन ए बी बराबर होगा ई सी अपॉन ए सी क्लियर है बड़े आगे इसका कन्वर्स वहां पे जो गिवन था वो यहां प्रूफ बन जाएगा और वहां पे जो प्रूफ था वो गिवन बन जाएगा इन्होंने बोला कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोशनैलिटी थ्योरम को प्रूफ करना है इसका प्रूफ बहुत आसान है एक स्टेप में मैं करके बताऊंगा सारी चीजें लिखूंगा नहीं बस ये देखो क्या बोल रहा है ये ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी वापस से मैंने एक लाइन बताई यार ये कि डी ई जो है दिस इज माय लाइन है ना डी ई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड इन द सेम रेशियो गिवन क्या है गिवन है कि यार ये जो ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल है ए अपॉन ई सी के है ना you know, आपको प्रूव क्या करना है आपको प्रूव करना है कि जो डी ई है दैट विल बी इक्वल टू पैरल टू बी सी जो ई है वो पैरल है बी सी के अब क्या करोगे अब क्या करोगे पैरल प्रूफ करना है ना तो जब भी पैरल प्रूफ करना है तो वी कैन यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि माना मैंने यहां पर कोई ई डैश पॉइंट होगा ये मेरा एक कंस्ट्रक्शन है ई डैश ओके कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ई डैश पैरल टू

पैरेलल है कभी यार अभी मैं पढ़ के आया हूं अब प्रूफ देखो इसका अभी मैं पढ़ के आया हूं कभी किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड डी ई डैश पैरेलल ए बी सी के इसका मतलब क्या है कि ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी दैट विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई ए ई डैश अपॉन ई डैश सी किससे थेल्स थ्योरम से जो अभी पढ़ के आए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम अभी हाल पढ़ के आए ना बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम कि कभी दो लाइनें पैरल है तो उनका जो रेशो होता है साइड का वो बराबर होता है तो थे से, से कि डी अपॉन डीबी एपन ई सी के भी बराबर है ये आपको गिवन था ये आपको, आपको गिवन था अब यार ये गिवन था गिवन वाला मैंने माना पहली इक्वेशन जो मेरा आया ये माना मैंने दूसरी इक्वेशन थेल्स थ्योरम से जो आया वो दूसरी इक्वेशन दोनों में एल एच एस सेम है ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर भी इसके बराबर भी मैं कह सकता हूं कि यार ये जो ए डैश अपॉन ई डैश सी है वो बराबर है ए अपॉन ई सी के यार ये कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है भाई ए ई डैश अपॉन ई डैश सी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के तभी पॉसिबल है जब ई e और ई e डैश एक ही पॉइंट होगा तभी तो इनका रेशो बराबर आएगा अरे एश e और ई डैश सी बराबर हो ऐ अपॉन ई सी की तभी पॉसिबल है जब ई डैश को कर जाए ई को मतलब ई डैश को इनसाइड ई और कभी ई डैश को कर रहा है ई का मतलब यहां पे अपन लिखना देअोर ई डैश को इन ई तभी ये पॉसिबल है और ये कभी कोइंसाइड कर रहा है इसका मतलब अपन ने क्या माना था ए e, मतलब क्या डीई डैश पैरल टू डीसी पर ई e ने तो कर दिया इट मींस इट मींस जो डीई e है तो वो क्या होगा दैट विल बी पैरल टू बी सी ई डैश की जगह ई e लिख देंगे क्योंकि कोइंसाइड कर दिया वो दोनों एक ही पॉइंट है तो डीई डैश कंस्ट्रक्शन किया था पर वो पैरल किसके हो गए डीई के इतना सिंपल प्रूफ था ठीक है तो ये भी समझ में आ गया होगा एक बार देख लो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरल है के है है ना ये मेरा कंस्ट्रक्शन ठीक अब कभी वो पैरल है तो मैंने अभी पहली वाली थ्योरम में बोला कभी दो लाइनें पैरल है तो उनका रेशियो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एपन ई डैश सी के क्वेश्चन में गिवन था कि ए डी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ई सी के तो एडी अपॉन डी बी तो दोनों में ही था ये वाली इक्वेशन में भी था इन दिस इक्वेशन ऑल्सो दे हैव गिवन AD upon DB is equal to this and in this equation also. इक्शन ऑल्सो तो यार दोनों में कभी मैं देखूँ तो एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी same होगा वही logic लगाया है ना एल same है तो आर एच एस भी same होगा अब आर एच एस सेम है तो ये कब possible है जब E और E dash coincide करे तभी तो एक ही line पे ratio बराबर कब होगा जब ये दोनों point एक ही जगह होंगे है ना ये तो common sense है ना ए डैश अपॉन ई डैश सी बराबर आ गया ए अपॉन ई सी की ये तभी पॉसिबल है दोनों एक ही पॉइंट पे हो दोनों ने कोई कर दिया तो डी ई डैश पैरल टू बी सी कंस्ट्रक्शन किया था तो डी पैरल हो जाएगा BC सी ठीक अब एक दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन इफ डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द रिस्पेक्टिव साइड ए बी एंड ए सी मतलब अब देखो थियोरम सीख ली थियरम का प्रूफ सीख लिया अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अगेन आई विल मेक अ डायग्राम है ना तो क्लिक अच्छे से होगा ये अपन ने बना दिया एक ट्राइंगल ए बी सी है ना अब डी और ई रिस्पेक्टिव पॉइंट है ये डी पॉइंट हो गया ये ई e पॉइंट हो गया ए बी और ए सी पर ए डी जो है वो सिक्स सेंटीमीटर है ये सिक्स सेंटीमीटर दे दिया BD जो है BD जो है वो 9 सेंटीमीटर है AE जो है वो 8 सेंटीमीटर है और EC जो है वो 12 है तुमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है DE, है ना ये जो लाइन है DE, ये लाइन पैरेलल है BC के ठीक प्रूफ क्या करना है गिवन और वो तो लिख दोगे तुम जो जो गिवन था मैंने डायग्राम ही बना दिया तो अब मैं नहीं लिख रहा हूं डी जो है वो पैरेलल बीसी के प्रूफ करना है तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब तो यहां पे प्रूफ देखो पहले अपन देखते हैं इनका रेशियो ए डी अपॉन डीबी की वैल्यू कितनी आ रही है तो वो आ रही है सिक्स बाय नाइन तो थ्री की टेबल से काटेंगे तो टू बाय थ्री आ जाएगा और ए अपॉन ईसी की वैल्यू कितनी आ रही है ए मेरे को दे रखा है आठ ई सी मेरे को दे रखा है बारह ये आ रहा है चार की टेबल से काटेंगे टू बाय 3 दोनों की वैल्यू 2/3 है मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो AD अपॉन DB है वो बराबर आ गया AE अपॉन EC के अभी कन्वर्स ऑफ बीबीटी बताया है कभी साइड्स का रेशियो बराबर आ जाता है कभी साइड्स का रेशियो बराबर आ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों वो दोनों साइड क्या होती है पैरेलल होती है तो ये जो DE है दैट विल बी पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां लिख देना स्टेटमेंट है ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन मस्ट बी पैरल टू द थर्ड साइड कभी कोई लाइन दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी वाली साइड के पैरल होगी अब यहां पे मैं तुमको एक चीज बताने वाला था दैट इज मिडपॉइंट थ्योरम मिडपॉइंट थ्योरम तुमने पढ़ रखी है नाइंथ में तुमने वहां पे कॉन्ग्रेंसी का कांसेप्ट लगा के इसको प्रूव किया था अब तुम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसको प्रूव करने की कोशिश करना कि कभी मैंने किसी एक लाइन के मिडपॉइंट से किसी एक लाइन के मिडपॉइंट से है ना ये मेरी डी ई लाइन है वहां पे गिवन क्या था वहां पे गिवन था कि जो डी है वो मिड पॉइंट है मतलब ए डी अपो एडी जो है वो इक्वल है बी डी के और जो ई है वो पैरल है बी सी के तुमको प्रूव क्या करना था तुमको प्रूव करना था कि ये जो ए है है ना वो क्या हो जो ए है वो क्या हो इक्वल हो ई सी के मतलब इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल है ना इज पैरल टू अनादर साइड द थर्ड साइड बात समझ में आई कभी मैंने मिड पॉइंट ऑफ साइड ट्राइंगल से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरल तो वो बाइसेक्ट करेगी तीसरी साइड को मतलब ई e क्या होगा मिड पॉइंट होगा अपन ने मिड पॉइंट थियरप में पढ़ा था जहां पे गिवन ये था कि यार ए डी जो है वो इक्वल बी डी के जो डी है वो पैरल तो मैंने, मैंने नहीं जितने भी आप लोगों को पढ़ाया होगा उन्होंने ऐसा कुछ आपको बताया होगा कि कंस्ट्रक्शन बताया होगा कि एक लाइन पैरल ड्रॉ करो और फिर कॉन्गरेंसी से आपने ये दो ट्राइंगल कॉन्गरेंट प्रूव करे होंगे और उससे ए को ईसी के इक्वल प्रूव किया था बाय ए एस कॉन्गरेंसी रूल लगाकर मत लगाओ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ के आए हो भाई डी जो है वो पैरल है किसके? पैरल है मतलब सर ए डी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के बाय बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम अभी आपने सिखाया तो देखो दो स्टेप का प्रूफ हो गया कि नहीं दो स्टेप का प्रूफ हो गया कि नहीं वहां पे तुमने कितने तामझाम किए थे एक लाइन पैरल खींची थी इसके ए बी के फिर ये पूरा एक ट्राइंगल बनाया था फिर कॉन्गोरेंसी लगाई थी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है डी ई इज पैरल टू बी सी तो बाई थे थियरम कभी ये लाइन इसके पैरल है मतलब इनका रेशियो बराबर होगा दैट इज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई अब यार ये ए तो इक्वल है BD के इक्वल है मतलब ये दोनों कट जाएगा तो ये वन आ जाएगा इधर से आ गया e बराबर एरा सी चमका कि नहीं अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद ही नहीं है कि मिड पॉइंट का प्रूफ कैसे किया था तो मेरे प्यारे बच्चों नाइन का वीडियो देखना है ना जब मोहित सर बढ़ा देंगे वहां पे मिड पॉइंट थियरम का प्रूफ तो वो कुछ इस तरीके से प्रूफ कराएंगे कि एक लाइन ड्रॉ कराएंगे पैरेलल टू ए बी है ना सीएफ लाइन और फिर बोलेंगे कि यार ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्योंकि लाइनें पैरेलल है और ये तो आपको दिख ही रहा है ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक पैरेललोग्राम बन गया मतलब जो डीबी है वो इक्वल हो गया एफसी के तो एडी के भी इक्वल होगा एफडी तो ए ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे और कभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए तो ए इक्वल आ जाता है ई e सी के नहीं चमका रिवीजन की जरूरत है नहीं तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दिया था मिड पॉइंट थी में ऐसे रिवाइज कराने का मेरा मन हुआ तो मैंने करा दी ठीक है कन्वर्स भी आप प्रूफ कर सकते हो उसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको

डीसी जो है वो पैरल है एपी के अब जो पी पॉइंट है ये लाई कर रहा है किस पे बीसी पर है ना ये पूरा डायग्राम तुमको बना रखा है BC को इस तरीके से प्रोड्यूस किया तुमको बताना ई सी है वो इक्वल हो बीसी अपॉन सी के ये तुमको प्रूफ करना है ये तुमको प्रूफ करना है ठीक ये तुमको प्रूफ करना है अब देखो यार प्रूफ इसका पहले तो मेरे को है ना ट्राइंगल पिक करना सीखना है तो देखो बी ई और ईसी बी ई और ई e, सी कौन सा ट्राइंगल मारा है बी सी ए में तो इन ट्राइंगल बी सी है, है ना इन ट्राइंगल बी ए सी बोलू या बी सी ए बोलू है ना आपको पता है ये दिया हुआ है डी ई इज पैरल टू ए सी गिवन टू यू ये वाली कंडीशन आपके पास है कि जो डी लाइन है वो पैरल एसी के कभी डी लाइन पैरल ए सी के तो मैं कह सकता हूं यार ये बी अपॉन ईसी जो होगा ई अपॉन ई सी जो होगा टू बी डी अपॉन ए डी होगा बाय थेल्स थ्योरम है ना यहां पे स्टेटमेंट लिख देना मैं अभी केवल ये लिख रहा हूं बाय थेल्स थियरम या बेसिक प्रपोशनैलिटी थियरम कुछ भी लिखो दोनों एक ही बात है बाय थेल्स थियरम बोलो या बाय बेसिक प्रपोशनलिटी थियरम बोलो कभी लाइनें लाइने है तो उनका रेशियो बीई अपॉन ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी एडी जो बोलना है है ना तो तो लिख देता हूं बस नहीं कंफ्यूजन तो ही आ जाएगा इतनी सी देर में तो क्या लिख दिया आपने ठीक चलो कुछ को तो क्लिक ही हो गया होगा है ना अब अगला ट्राइंगल क्या ले बच्चा अब अगला ट्राइंगल क्या ले अपने को क्या चाहिए बीसी और सीपी है ना तो ये वाला ट्राइंगल ले, ले लेते हैं बी पी ए बी पी ए ये वाले ट्राइंगल में कभी मैं देखूं बीपीए में ये जो सी डी लाइन है यह पैरल एपी के जो सी डी लाइन है वो पैरल एपी के तो अगली स्टेटमेंट इन ट्राइंगल बी ए पी है ना जो सी डी लाइन है दैरल टू ए पी ये भी गिवन है है ना दिस इज ऑल्सो गिवन कभी पैरल है तो मैं कह सकता हूं कि यार ये रेशो बीसी अपॉन सी पी बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी क्या बी सी है ना बी सी अपॉन सी पी बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं कैसे लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है देखो नहीं आ रहा है तो एक बार देखो ये वाले ट्राइंगल को कह रहे हैं है ना इस ंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है तो ये वाला रेशो ये वाला रेशो अपॉन ये वाला रेशो इक्वल होगा ये वाला रेशो अपॉन ये वाला रेशो दो साइड कभी पैरेलल है तो ये वाला रेशो अपॉन ये वाला रेशो बराबर होगा ये वाला रेशो अपॉन ये वाला मतलब बीसी अप ऑन सी पी बराबर होगा बी डी अपऑन ए खुआ बस हो गया प्रूफ ही हो गया यहां पर ठीक तो खत्म ये मेरी इक्वेशन टू बन गई वो मेरी इक्वेशन वन थी दोनों में एक चीज देखो बी डी अपॉन डी ए है बी डी अपॉन डी ए बोलूँ या ए डी दोनों में है ना दोनों में है दोनों में है बी डी अपॉन डी ए दोनों में है तो कभी मैं देखूं कि यार वो मेरी इक्वेशन वन थी दिस इज माई इक्वेशन वन और दिस इज माई इक्वेशन टू तो दोनों में आरएचएस तो सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा मतलब फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू मैं कह सकता हूं कि यार ये जो बी सी अपॉन सी पी है ये बराबर होगा उसके एल एच एस के दैट इज BE अपॉन ई सी यही प्रूफ करना था क्या देखो जरा बी ई अपॉन ई सी बी ई अपॉन ई सी दट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी तो बेसिक प्रोपोशनैलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी किसी ट्राइंगल में दो लाइनें पैरल दे रखी है केवल इतनी बात याद रखना है ना कभी पैरल दे रखी है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू AE ई सी प्रूफ भी कर लिया क्वेश्चनों में भी मचा दिया अब तुम्हारी बारी है अब तुम्हारी बारी है करो सवाल डाउट आते तो पूछो टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है क्योंकि समय मिला है उसको यूज करो बेहतर बनने के लिए ठीक है आगे बात समझ में तो ये बेसिक थ्योरम से ये वाली चीज प्रूफ हो गई एवरी डे अच्छा एक सवाल देता हूं ट्रू फॉल्स है ना कल की क्लास में आने के पहले इस वाले का कमेंट कर देना मैं कह रहा हूं ऑल आइसोसेलिस ट्राइंगल ऑल आइसोसेलिस ट्राइंगल आर ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स टू गेट बेटर मतलब हर दिन हमारे पास एक मौका रहता है खुद को इम्प्रूव करने का आज आपके पास मौका है ट्राइंगल्स में जितना इंप्रूव कर सकते करो क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा थियोरी वाइज केवल इतनी बात थी कभी दो लाइने पैरल है तो उनका रेशो बराबर होता है दैट इज ऑल अबाउट बीपीटी केवल इतनी बात दिमाग में रखना कि कभी दे दी दो तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा एपॉन डीसी बस अप्लाई करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में तो अलग अलग चीजें पता ले दिमाग खुलेगा तो मेहनत करो दैट्स ऑल फ्रॉम साइड थैंक यू सो मच बच्चा लोग मजा आया होगा ये तो शुरुआत है ज्योमेट्री की अभी और मजा आने वाला है, है ना तो मचाते रहो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट